एक प्रेमी जब दुनिया भर के तानों से थक कर बाबा के दरबार में जाकर हार मानकर हार कर दरबार में जाकर बैठकर एक भाव सुनाता है बाबा को, सुनना सभी मिलकर, कि बाबा को कहता है कि बाबा अब शाम धनी मेरा न्याय करो, अब शाम धनी मेरा न्याय करो, करो बंदे जुबान जमाने की, अब शाम धनी मेरा न्याय करो, करो बंदे जुबान जमाने की। कि दुनिया वाले जो बोलते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सब बोलेंगे, लेकिन बोलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो हमें एक ही चीज से पड़ेगा, अगर ये रूठ गया तब फर्क पड़ेगा हमें। दुनिया से क्या लेना है, वो तो आती भी है, जाती भी है, बोलते भी हैं। इसीलिए प्रेमी भी क्या कहता है, दुनिया को इजाजत दी किसने, दुनिया को इजाजत दी किसने, मेरे प्रेम पे उंगली उठाने की, अब शाम धनी मेरा न्याय करो, करो बंद जुबान जमाने की। अगर कोई प्रेमी अपने भाव व्यक्त करता है इस दरबार में आकर, तो कहीं उस पर कटाक्ष लगाए जाते हैं, बोला जाता है उन्हें, तब प्रेमी एक बात बोलता है, मेरे भावों पे हक है तेरा, इस पे जग का अधिकार नहीं। कि बाबा मेरे भावों पे हक है तेरा, इस पे जग का अधिकार नहीं, भावों पे जमाना तंज कसे। कि जो भावों पर जो बातें बनाते हैं ना, ये उनके लिए लिखी गई हैं बातें। भावों पे जमाना तंज कसे, मुझको हरगिज स्वीकार नहीं। इसीलिए बाबा ये फर्ज तुम्हारा है बाबा, ये फर्ज तुम्हारा है बाबा, साचों की लाज बचाने का, ये फर्ज तुम्हारा है बाबा, साचों की लाज बचाने का। और जग वाले तो एक ही बात है, वो तो बोलेंगे, सही हो तब भी बोलेंगे, गलत है तब भी बोलेंगे। इसीलिए क्यों उनकी बातों में आकर अपना समय व्यर्थ करना है। मेरे भावों को जग वालों ने बिन समझे ही पाखंड कहा, मैंने कुछ ना कहा, खामोश रहा, तो सबने उसे घमंड कहा। और दुनिया वालों की आदत है, दुनिया वालों की आदत है, हर बात पे बात बनाने की, अब शाम धनी मेरा
करो बंद जुबान जमाने की, अब शाम धनी मेरा न्याय करो। करो बंद जुबान